नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल छत्रवाल आपके सामने फिर उपस्थित। आज अपन पढ़ेंगे जनन क्रिया। सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, ये सारी क्रियाएं सजीवों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार जनन भी अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ये दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन छोटे व अल्प विकसित व एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे यूग्लिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, अन्य एक कोशिकीय जीव जिनमें अलैंगिक जनन होता है, ऐसे द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन आदि सभी जीवों में यह अलैंगिक जनन होता है। और सभी बड़े जीव जो विकसित हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है, दो जनन जीव नर और मादा होते हैं। विकसित प्राणियों में नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। नर में उपस्थित जनन कोशिकाएं नरी युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करती हैं और मादा जननांग में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। मादा जनन तंत्र अन्य प्राणियों की अपेक्षा विकसित अधिक होता है और वह जटिल होती है। तो अपन मादा जननांग और नर जननांग के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। मादा जननांग का जो चित्र है मैंने पहले बना रखा है। अब इसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और ये अंड महाजन के द्वारा जुड़े रहते हैं। मध्य में गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय का जो गर्भाशय द्रवा है उसके बाद में यह आगे योनि से जुड़ा रहता है। और जो अंडाणु का निर्माण होता है, जो मादा जनन कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है और उसमें जो हार्मोन्स वगैरह स्रावित होते हैं, मादा हार्मोन्स में दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। उनके द्वारा ये हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं, ये जनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में जैसे ही गर्भाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यह भी एक निश्चित अवधि निश्चित आयु के उपरांत ही यह क्रियाशील होती है। लगभग मादा में लगभग 13-14 वर्ष के उपरांत ये जनन क्रिया के लिए क्रियाशील रहती है। और एक नर जनन तंत्र है, इसमें मूत्राशय है, मूत्राशय के पास में शुक्राशय है, यहाँ शुक्राणु एकत्र होते हैं। प्रसंग शुक्राणु का निर्माण वृषण कोशिकाओं में वृषणज होता है, जो प्राथमिक अंग कहलाता है। शुक्राणु का तो कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनका भी निर्माण होता है वृषण में, और शुक्राणु का निर्माण होने के कारण ये शुक्र महाजन के द्वारा शुक्राशय में एकत्र होते हैं। शुक्राशय में तरल पदार्थ का निर्माण होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद में
इन तरल पदार्थ जो शुक्राणु होते हैं उनका उनको ऊर्जा गति प्रदान करते हैं और यह एक मूत्र से नली के द्वारा सिसिंग और मूत्र मार्ग द्वारा इसको शुक्राणु को तैयार करवाता है। इसमें नर हार्मोन्स एक पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन के रूप में होता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या है कि जैसे ही अंडाशय अंडाणु का निर्माण होता है वह इस मार्ग से यहां पर आकर के अंडाणु गर्भाशय में आ जाते हैं और शुक्राणु योनि के द्वारा गर्भाशय में आकर अंडाणु से मिलते हैं और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचित अंडाणु निषेचित हो जाता है और निषेचित अंडा गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और गर्भाशय में जब स्थापित हो जाता है तो वह धीरे धीरे बढ़ करके विकास करके अपना विभाजन करके और भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण धीरे धीरे और विकसित होकर संतान यानी बच्चे का रूप ले लेता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।